दोस्तों आपका स्वागत है गैजेट ब्रिज हिंदी में। मेरा नाम है सुलभ और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रेडमी के ईयरबड्स एस की। प्रोज एंड कॉन्स भी इसी वीडियो के अंदर, पर उससे पहले दबाइए वो सब्सक्राइब का बटन और उसके बाद दबाइए वो बेल आइकन, इससे आपको हमारे वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगे, साथ ही में आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हैं, ये है Redmi Earbuds S का बॉक्स। सामने ब्रांडिंग दी हुई है, लेफ्ट राइट पर भी ब्रांडिंग है, पीछे प्राइस काटा हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं इसके बॉक्स में हमारे को क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो खुल गया है Xiaomi Redmi Earbuds S का बॉक्स। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो देखने को मिल रही है वो है इसकी यूज़र मैनुअल, और साथ ही में कुछ सिलिकॉन टिप्स भी दिए गए हैं। डिफरेंट ईयर कैविटीज़ के लिए टिप्स अंदर डाले जाते हैं, तो 4 एडिशनल सिलिकॉन टिप्स आपको इन द बॉक्स मिलते हैं। अगली जो चीज़ है वो है Redmi Earbuds S का बॉक्स। इसका चार्जिंग केस है। इसके अंदर जो ये ईयर प्लग्स हैं काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी ऑसम है दिखने में, कैप्सूल टाइप हैं जो इसकी बनावट है, इसके बारे में और बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बॉक्स में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो डिज़ाइन एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो रबस्ट है, मैट फिनिश का बनाया गया है, ब्लैक कलर की मैट फिनिश है। पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसका USB चार्जिंग पोर्ट भी मिलेगा। आराम से खोल बंद रहा है। अंदर ये जो दोनों ईयर प्लग्स हैं बड़ी आराम से फिट हो जाते हैं। मैग्नेटिक है तो स्नैप इनटू प्लेस बड़ी आराम से हो जाते हैं और ये बंद हो जाता है। तो Xiaomi ने क्या किया है, दोनों ईयर प्लग्स के अंदर आपको बैटरीज तो दी ही हैं, साथ ही में इसके चार्जिंग केस में भी आपको एडिशनल बैटरी मिलती है। तो आपको इनको अलग से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसके केस को चार्ज करिए और उसके अंदर ये प्लेस कर दीजिए तो ये ईयर प्लग्स ऑटोमेटिकली चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ईयर प्लग्स के नीचे चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं और ये ईयर प्लग्स आपकी कैविटी में बड़ी आराम से लग जाते हैं। कैसे लगते हैं आइए चलिए देखते हैं। तो ये जो ईयर प्लग है कुछ ऐसे लग जाता है, इट गेट्स इनटू योर ईयर, आराम से लॉक इन हो जाता है। यू कैन जस्ट प्लेस इट एज पर योर कंफर्ट, जहाँ पर आपको कंफर्टेबल है वहाँ पर आप उसको प्लेस कर सकते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ भी कर सकते हैं तो एक्स्ट्रा आपको सपोर्ट मिल जाएगा ईयर लोब से, ईयर कैविटी से। बट अगर आपको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए तो हल्का सा मिडिल में रखिए तो एकदम कंफर्टेबल पोजीशन पे ये सेट हो जाते हैं। इवन इफ़ यू गो फॉर अ रन तो भी ये यहाँ ही पे सेट रहेंगे। इन ईयर प्लग्स को और थोड़ा क्लोजली देखेंगे तो आपको यहाँ पर राइट और लेफ्ट का भी इंडिकेटर देखने को मिलेगा, मतलब ये राइट ईयर कैविटी के लिए है और ये लेफ्ट के लिए है। क्लिकेबल बटन्स हैं इन दोनों पे, और साथ ही में जो लेफ्ट का आपका ईयरबड है उसके ऊपर आपको एक LED लाइट भी देखने को मिलेगी जो भी ब्लिंक कर रही है, पर ये ब्लिंक करना बंद कर देगी जब ये मोबाइल फ़ोन या किसी लैपटॉप से जिसमें ब्लूटूथ है उस तक कनेक्ट हो जाएगा। इन्हीं क्लिकेबल बटन से आप प्ले पॉज कर सकते हैं, कॉल्स रिसीव कर सकते हैं या कॉल्स को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इनके बाकी फीचर्स की। दोस्तों अब बारी है Redmi Earbuds S के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जानने की। स्टार्ट करते हैं कितने घंटे ये काम कर सकता है। विद द चार्जिंग केस ये 12 घंटे काम कर सकते हैं, मतलब अगर आप इसको केस में वापस डाल के चार्ज करके चलाएंगे तो आपको अप टू 12 आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, अदरवाइज सिंगल चार्ज में ये 4 घंटे इजीली लास्ट कर जाते हैं। इसी के साथ साथ इसको IPX4 की रेटिंग भी दी गई है, जिसका मतलब है ये स्वेट और स्प्लैश प्रूफ हैं, मतलब अगर आप इसको पानी में गलती से गिरा दें तो इसको कुछ नहीं होगा, या फिर इसके ऊपर पानी गिर जाए तो भी इसको कुछ नहीं होगा। लो लेटेंसी गेमिंग मोड का भी फीचर इसमें अवेलेबल है, जिसका मतलब ये है आपको ऑलमोस्ट सेम टाइम पे साउंड्स मिलेंगी। अगर आप इस पे गेमिंग कर रहे हैं, इसके साथ गेमिंग कर रहे हैं, तो आपको रियल टाइम में साउंड सुनने को मिलेगी, इससे आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है। जो ईयरबड्स हैं उनके अंदर 43 mAh की बैटरी मिलती है पर ईयरबड, जिसका मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 4 घंटे तक का आपको अप्रॉक्सीमेटली प्लेबैक टाइम मिल सकता है। जो चार्जिंग केस है उसके अंदर 300 mAh की एक और एडिशनल बैटरी दी हुई है जो इन ईयरबड्स को फिर से दोबारा रिचार्ज कर सकती है, तो ओवरऑल
12 घंटे का आपको टाइम मिल जाता है। हमने इसकी साउंड सुनी है तो काफ़ी पंची साउंड है, अच्छा बेस मिल रहा है। इतने छोटे से जो ये ईयरबड्स हैं उसके अंदर से साउंड Xiaomi ने बहुत ही अमेजिंग दी है, क्योंकि ब्लूटूथ 5.0 पे ये वर्क करता है। तो किसी भी स्मार्टफोन जिसमें ब्लूटूथ 5.0 है तो उसके साथ आपको साउंड और भी बेटर मिलेगी और वोकल्स भी काफ़ी क्लियर हैं, जो इसके प्रोज हैं। एक और प्रो, इसका प्राइस ₹1799 में आप इनको अपना सकते हैं। अमेजिंग प्राइस रखा है इस बारी Redmi ने इसका, तो ₹1799 में आपको ये ईयरबड्स, वायरलेस ईयरबड्स आपको मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द चीपेस्ट ईयरबड्स हैं इन द मार्केट जिनकी आवाज़ उम्दा है। कॉन्स की बात की जाए तो अभी ये सिर्फ एक ही कलर में अवेलेबल हैं, मैट ब्लैक। बट हाँ, संभावना ये भी है कि थोड़े टाइम के बाद इसमें और एक दो कलर्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मेरे को इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्स देखने को मिल नहीं रहे, प्रोज काफ़ी ज़्यादा हैं। सो यस, प्रोज आउट वे दी कॉन्स। बाकी सारा हम आपको बताएंगे इसके फुल रिव्यू के अंदर ऑन gadgetbridge.com। तो दोस्तों, ये तो होगी अनबॉक्सिंग Redmi Earbuds S की। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमारे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो थम्स अप देना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाया नहीं है तो अभी दबा दीजिए उसको, यहाँ पर रेड कलर का बटन है, साथ ही में वो बेल आइकन भी। मेरा नाम है सुलभ, आप देख रहे हैं गैजेट ब्रिज हिंदी। मैं आपसे मिलूंगा अगली बारी।